What's up, स्लो guys? मोशन में नहीं था ना सब कुछ. नहीं नहीं यार गाइस, ये हमारा तीसरा वीडियो है. हम बैक टू बैक, जो तीसरा नहीं एक्चुअली ये हमारा चौथा वीडियो है. था हमारा भी शूट किया हमने. या फक, आज फुल फुल वर्कहोलिक मोड ऑन है हमारा. हसल हसलिंग विद ऑल आवर स्ट्रगल्स. आज मतलब एक्चुअली मुझे लगा तुम ये बताने नहीं वाला है मैंने लिपस्टिक चेंज किया कि किसी को पता ना चले. क्या होता है अपन कुछ बात छुपा दे क्या? नहीं पता है क्या तुम्हारा लिपस्टिक लगता है? मतलब ऐसा मार्क आता है क्या? नहीं यार शिट, मैं शो ऑफ नहीं कर सकता. मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को किश करती है. शिट, ऐसे ऐसे लिपस्टिक बनाना बंद करने चाहिए कंपनी वालों को. ऐसा मालूम पड़ना चाहिए, हर चीज़ में एक मार्क आना चाहिए, सबूत है ना. बॉयज के पास एक ही तो चीज़ है, खुद के लिप्स पे लगा के तो ये करके बाहर निकल सकते हैं. गलती से भी अगर पहुंचना भूल गया तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. बाकी आज हम लोग है ना एक ऐसे चीज पे रिएक्ट कर रहे हैं जिसपे मतलब थोड़ा सा वो चीज वल्नरेबल भी है, थोड़ा सा फनी भी है और थोड़ा सा अवेकनिंग करने लायक भी चीज है. कल मैंने तुमको इंडियन आइडल का जो बताया था कि हम इस पे करेंगे ऑडिशन. हाँ, मैंने वो लाइव टीवी पे भी देखा था. हाँ तो मैंने लाइव टीवी पे, टीवी भी तो क्या अपन ने कब का देखना छोड़ दिया. अपन टीवी पे खाली नेटफ्लिक्स अभी अभी फिलहाल अपन केबल है नहीं हमारे घर. हाँ, हाँ, हाँ. कूल बन के दिखा रहे हैं, केबल है नहीं इसके लिए हम लोग पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखते हैं. या तो हम 650 महीने का नेटफ्लिक्स अफोर्ड कर सकते हैं. हाँ, केबल दो या तो 500 रुपए का केबल. ये सीक्रेट था, किसी को बता नहीं. साथ हम सारा सब कुछ अपने छोड़ते हैं. और मैं तो बता रहा हूँ आप सारे बढ़िया, खुद से मजे में. मेरे को पता है तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे हो. फकिंग शिट, मेरा पूरा हार्ट टैटूड है. मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे ही बात. तुम फोटोज भी अभी ऐसे ही खिंचवाते हैं. कल हम लोग ब्रह्मास्त्र देखते हुए फोटोज खींच रहे थे. आधे से ज्यादा फोटोज में मेरा मन ऐसा है और मैं स्क्रॉल कर रही हूं. ममन दिखना चाहिए ना फोटो. बोले मेरा हाथ में पूरा टैटू है. दिखना चाहिए ना. तुम्हारे हाथ को ही अभी से लेके जाऊंगी मूवी वूवी देखने. मेरे बॉयज समझेंगे. हाथ से तो तुम यो शट अप बड़ा लड़का. चलो बहुत हंसते है. मेरा नाम है ताबिश, मैं 19 साल का हूँ और मैं दिल्ली NCR से आया हूँ. तैयार हुआ? 19 साल का अच्छा. मेरे को लगा गिटार कब से पिया, मुझे ऐसा बजने लग गया. ताबिश आपकी बहुत ही प्यारी मीठी आवाज है. कुछ बात है आप में ताबिश. हमको भी पता चल रहा है कुछ बात है. दिस सीजन आई वुड से यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. आपको और ताबिश म्यूजिक देखो पीछे से हार्ड भी. तू मेहनत थोड़ी बाकी है इसलिए. थैंक गॉड थोड़ा सा भी इवॉल्व हो गया और वो कल होना होगा. ठीक ठीक हां ये वाला हिमेश रेशम या ऐसा एक्चुअली प्लीज डोंट इंक्लूड मी इन दिस ड्रामा. आई ऑलरेडी हैव टू मच ड्रामा ऑन माय रील्स. बाइसेप्स मारता हूं वो गाना मारता तब भी यार अभी चलो एक चीज अच्छा है कि अभी लाइव ऑडियंस नहीं होती. खाली जजेस और ये होते. नहीं तो ऑडियंस में 3-4 लोग तो रहते. वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं. वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं ये तो बोलते ही बोलते. बट इससे चलो हमें एक चीज पता चल गया कि ये लोग एक्टर्स भी अच्छे हैं. नो डाउट ऑब्वियसली इतने टाइम से कर रहे हैं तो होता ही होगा ना. आई नो. ये क्या हरकत ली आपने? क्या गया हरकत? उसने भी हरकत तूने किया कत्या. कुल्ला भर रहा हूँ, मुंह में पानी डाला और जल्दी भेजने को क्या एक्टिंग कर रही है.
में गाना और वो अंदर तुमको और तुम्हारे प्रोडक्शन को पता क्यों किया? जमीन आसमान का उसने क्या किया बेचारा, वो तो 19 साल का है। क्यों क्या सोच रहे थे उस वक्त? सर मैंने सोचा कि ये गाना सिंपल है तो उसको सिंपल ही तुम्हारे पास जो कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ, चलो गाओ गाओ फिर से गाओ ये वाली लाइन। जीना मेरा नो डाउट उसका आवाज अनरियल है। अरे वही तो सैड चीज है कि इतना ब्यूटीफुल आवाज है, स्पेशली मतलब इतने यंग, इतना यंग लड़का है वो। तो ऐसा बेचने का जरूरत ही नहीं। मैं तुम लोगों को बताता हूँ मैं किस परस्पेक्टिव से देख रहा हूँ। अभी मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मेरे को भी रियलिटी शो में जाने का मन करता है, ठीक है। मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ कि मैं एक ऐसे मीडिया से एक्सपोज हूँ जहां पर मेरे को पता चलता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज रियल है, क्या चीज फेक है, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए सैड फील करता हूँ जो लोग दूर दूर रहते हैं, जो लोग को बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है ये चीज से। कितने सारे लोग ये चीज अटेम्प्ट करेंगे कि हाँ भाई अपना रियल आवाज छुपा के जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं लगता है कि वो जिस तरीके से जा रहा था, जितना क्लियरली उसका आवाज वो सेकंड वाला सुनाई दिया, वो सुनाई भी देता है क्योंकि वो माइक से दूर है, कहाँ से सुनाई देगा वो आवाज, समझ में आ रहा है। तो इट्स जस्ट सैड कि टैलेंट कितने सारे वेस्ट होंगे ऐसे इस चक्कर में, है ना। देखो अगर स्क्रिप्टेड है तो भी फक्ड अप है, और स्क्रिप्टेड नहीं है तो भी फक्ड अप है, क्योंकि जब एक पार्टिसिपेंट ने डिसाइड किया कि उसको एक गाना प्रेजेंट करना है तो उसको उस बेसिस पे जज करो, है कि नहीं। टैलेंटेड इसके जितने और भी बहुत सारे है ना, और एक दिन में कम से कम 10-20 हजार लोग ऑडिशन देते हैं, उसमें से ज्यादा इजीली, उसमें से अगर तुम एक जन को ऐसा सेकंड चांस देते हो तो मेरे हिसाब से सब जिसको सेकंड चांस देना चाहिए, है ना। मतलब आई एम वेरी श्योर कि जितने भी लोग आते हैं सब इक्वली नर्वस होते हैं। हर किसी का आवाज ब्रेकडाउन होता होगा, हर किसी का गला सूखता होगा। सिंगिंग तो ऐसा आर्ट है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है सिंगर्स के लिए, क्योंकि इतना उसमें डिसिप्लिन लगता है, यू नो, मतलब पानी नहीं पी सकते, ठंडा पानी नहीं पी सकते, आइसक्रीम नहीं, मतलब वो सब तो बहुत ही ज्यादा अनफेयर है ये चीज। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग ऑडिशन फिर ऐसे स्टेज पे रखी क्यों रहे। अगर तुमको हिडन टैलेंट ही निकालना है तो घर घर के बाहर ऐसा कार लगा के घूमता निकालो। Exactly. कोई भी अच्छा गुनगुना रहा हो उसको पकड़ के बाहर खींचो, वो लगा के बता। हर किसी में हिडन टैलेंट, मैं भी संडास में बैठे बैठे बहुत अच्छा गाना गाता, आज मेरा ऑडिशन घर संडास के बाहर बैठ के ले लो, सच में। एग्जैक्टली वही तो, मैं ब्लॉग्स में बहुत अच्छा गाना गाता, मेरे ब्लॉग्स के फुटेजेस देख के मेरे को सिलेक्ट करना। वही बात हो गई ना, तुम हिडन टैलेंट की बात कर रहे हो, हिडन टैलेंट के नाम पे ऐसा बेचना मासेस को, क्योंकि थोड़ा इमोशनली मिल्क करना लोगों को इस अ बिट अनफेयर। मतलब तुम इसके अराउंड ही लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। मैं समझता हूँ कि ये टीवी पे जाता है, टीवी पे एक शो पुट अप करना, उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है तुम्हारे पास स्टोरी है या नहीं, बट तुम ऐसी चीजों को मिल्क करो जो फेयर है, समझ में आ रहा है। तुम हमेशा ही गरीबी को मिल्क करोगे, हमेशा ही अभी ये एक नया ही कुछ नया लेके आ गए भाई, ये मेरे लिए गरीबी, भाई तुम इससे बेटर गरीबी को मिल्क करो यार। Exactly. वो फैक्ट्स तो है। ये क्या है तुम ऑडिशन में एक गा रहे, मतलब ये थोड़ा सा अलग ही लीग पे जा रहा है। आयो मैं सोचता हूँ कि डांसर्स का ऐसे ऑडिशन में ये क्या, एक बंदा एकदम गंदा नाच रहा है और फिर वो चलते हुए कैसे बता रहा अच्छा नाच रहा है वो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें भी, एक से स्टार्ट होता है और फिर सब लोग उसको कॉपी करते हैं। ऑब्वियसली शाबाश इंडिया में सोचो कैसे करेगा, एक ट्यूबलाइट खा रहा है गलती हो गया, फिर बाहर जाते तो पूरा खाते देखा, और जाते जाते देखिएगा साइड में लाइट करके खा के दिखा रहे। सैड है, सैड है। तो मेरे मतलब हम लोग का वीडियो बनाने का यही है मतबल कि रियलिटी शो आर गुड टू एन एक्सटेंट, है कि नहीं। मेरे को भी बहुत मन है रियलिटी शो में जाने का, बट नॉट एक ऐसे स्टेक पे जाके, मतलब मैं अपने आप को इतना बड़ा कर लेना चाहता हूँ रियलिटी शो पे जाने से पहले कि मतलब मेरे को ये सारी चीजों पे ऐसा सैक्रिफाइसेस नहीं करना पड़े, है ना। मेरे को भी चाहिए कि मेरा स्टोरी जो है बहुत सैड है और अच्छी तरीके से पोर्ट्रे हो, बट मतलब मेरे को ऐसा बेचारा बोल के ये मत बेचो क्योंकि मैं बेचारा नहीं हूँ, समझ में आ रहा है। मैं फाइट करके यहाँ तक पहुंचा हुआ स्टेज पे, तो मतलब मैं बेचारा नहीं हूँ, तो उसको वैसा पीछे इमोशनल म्यूजिक करके मत डालो, बल्कि बाहुबली का म्यूजिक डाल के उसको ऐसा बता दो क्योंकि देखो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। अगर ये पहुंच सकता है तो तुम भी पहुंच सकते हो, समझ में आ रहा है। एक्सेंट चेंज कर देते किसी भी चीज का तो कितना ज्यादा डिफरेंट हो जाता है कोई भी चीज। बट मेरा जहां तक ओपिनियन है, तुम रियलिटी शो का दो का पार्ट रह चुके, मैं नहीं रह चुकी, मैं सिर्फ एज ऑडियंस तुमको बता रही हूँ मुझे जो दिखता है।
मुझे ऐसा लगता है कि जान के वो लोग किसी को स्ट्रांग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनको दिखाना होता है कि हमारे स्टेज ने इसको स्ट्रांग बनाया, हमारे मेंटर्स ने इसको स्ट्रांग बनाया इसके लिए. तुम कभी भी नहीं देखेगा कोई ऐसा बोलेगा कि शिट मतलब मैं इतने अच्छे घर से आ रहा हूँ, मेरे मॉम डैड इतने सपोर्टिव है, मतलब अमेजिंग अमेजिंग फैमिली, अमेजिंग बैकग्राउंड में, वेल टू डू फैमिली. सो नहीं मिलते ऐसे लोग. फिर तो मेरी मम्मी को झूठ बोलना सिखाना पड़ेगा. हाँ थोड़ा सा है ना, तुमको भी झूठ बोलना सिखाना पड़ेगा, तुमको भी ऐसा बोलना पड़ेगा कि मैं चाहती नहीं थी ये डांस करे, बट हाय हाय ये तो इतना अच्छा डांस करता है. मेरे को पता ही नहीं था ये डांस करता है. मैं हमेशा रात को देखती थी, हमेशा लाइट ऑफ होता था और कुछ ऐसा सा हिलता था. मेरे को हमेशा लगा कपड़े हिल रहे हैं. फिर मैं ऐसा उठ के ऐसा नींद में देखती थी तो इधर होता नहीं था. फिर मैं बाहर जाके देखती तो ये ऐसे खड़ा हो जाता. मुझे लगता था लैंप है. हाँ? हमारा झाड़ है, आर्टिफिशियल झाड़. मैं बस लाइट ऑफ करके चली जाती थी. मैंने कभी इसे देखा ही नहीं. फर्स्ट टाइम मैंने देखा इसको डांस करते हुए. तुम भी कोई इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल में जाएगा. मुझे पता ही नहीं था ये चलती थी. हाँ? ऐसे तो मैं इसको देखता था हमेशा वॉशरूम करने जाती, रेंग के जाती थी अपने छाती के बल. एक दिन मैं देख रहा हूँ की मेरे बेड के आजू बाजू में कोई चल के जा रहा है. मैंने तुरंत लाइट चालू किया, देखा अरे कोई नहीं है, खाली एक रग है, बट रग रिया जैसा लग रहा है. बट मैंने फिर सोचा कि लाइट बंद कर देता हूँ. फिर जब तक मेरे को दिमाग में आया कि वो रिया ही थी, मैंने लाइट फिर चालू करके देखा तो वो सिर्फ रग था, रिया तो मेरे बाजू में सोई हुई थी. इमेजिन ये सब मास्टर शेफ इंडिया वगैरह में अगर ये सब टैक्टिक्स होंगे तो पहले एकदम गंदा खाना बनाया, बट साइड में जाते जाते जो वो चबा रहा होगा वो बहुत टेस्टी होगा. वो मूंगफली निकाल के चबा रहा है. ये क्या खा रहे हैं आप? ये क्या खा रहे हैं? इधर आइए. ये क्या खा रहे हैं आप? चने. ये कहाँ था? बाजू वाले के किराने के दुकान से लाया था ये तो. वहां से नहीं लाया, यही दिखाना था आपको. अच्छा मैं ये गंदा सा 2 घंटा लगा के गंदा सा खाना बनाया इटालियन इटालियन बाबा. मतलब ये तो वो हो गया. मैं पहले बहुत गंदा खाना बना, कम से कम 4 लोगों का तो पेट बिगाड़ता था, बट मास्टर शेफ के इस मंच ने मेरे को एक ऐसा जगह दिया जहाँ पर मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ. गाइस तो हमारा आई थिंक हम मजाक में चले गए हैं, बट आई होप कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे और राइट मैसेज की वजह से पहुंचे. हम लोगों का इंटेंशन सिर्फ ऐसा क्लाउन करने का नहीं है, मजाक उड़ाने का नहीं है. वी नो कि जजेस भी बहुत प्रेस्टीज्ड है, बहुत टैलेंटेड है. विशाल डडलानी इतना ज्यादा वोक आदमी, वो खाली एक सैड था कि उसको भी ये सब चीज, उसको भी ये लुक देना पड़ रहा है. इधर 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 बाजू में जाके पंखा लगा तो वो थोड़ा सा सैड है, बट देन चलेगा. आई थिंक ऑडियंस इम्प्रूव होगा, मेरे को ऐसा लगता है, तो चीजें अपने आप इम्प्रूव होगा. है कि नहीं? तो इट इज इन योर हैंड माई लव, एवरीथिंग इज फॉर यू गाइज. एंटरटेनमेंट, इमोशनल डैमेज, फक्ड अप थिंग्स, हार्ट ब्रेक्स, गरीबी इज ऑल फॉर यू बिकॉज यू एंजॉय इट. तुम एंजॉय करना इसको छोड़ दोगे और तुम एक्चुअल आर्ट को देखना चालू करोगे आर्ट के नजरिए से, तो तुमको मजा आएगा. नो डाउट कि जितने भी लोग रियलिटी शो में आते हैं कि टैलेंटेड नहीं है, टैलेंटेड है. हाँ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टैलेंटेड है. आजकल तो ज्यादा ही हो गए, कुछ ज्यादा ही हो गया. मेरे को ऐसा लगता है मुझे गरीबी चाहिए. मेरा कैमरा टूट गया, मुझे ऐसा लग रहा है. दूर कर ले. चुप है. गाइस मुझे भी रियलिटी शो जाना है. हाँ. एनी रियलिटी शो पीपल इफ यू आर वाचिंग प्लीज टेक मी इन. आई थिंक पता है ना वो नहीं लेंगे अभी मुझे. मैं तुमको अच्छा कंटेंट दूंगा यार, मैं तुमको एकदम रियल कंटेंट दूंगा. इसके बाद से तुम्हें कभी ऐसा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो भी होगा सच होगा. सच में मैं गरीब हूँ बहुत. बनकर okay, guys, आज के लिए इतना ही रखते हैं. तुम लोगों को पता तुम लोगों क्या करना है. तुम लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट दुआ. अपन तुमको मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में. ऑलराइट टेक केयर, बाय प्लीज. ऐसा इतना बात करूंगा तो मेरे को कभी जिंदगी में नहीं लेंगे यार रियलिटी शो वाले. नहीं मेरे को रियलिटी शो बहुत पसंद है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी एक टांग नकली है, बट रियलिटी शो वालों ने मुझे एक टांग लगवा के दी है ताकि मैं नाच कर पाऊँ. नाच कर पाऊँ.